बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित महरूपुर गांव में इतने दिनों से भारतीय गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों का पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। यहां समुदाय को कहना है कि इस आंगनबाड़ी में पोषाहार सही रूप से नहीं बांटा जाता है। उत्तम देवी के तीन बच्चे हैं जिसमें अति कुपोषित भी है और अति कुपोषित को उतना ही मिलता है जितना धात्री गर्भवती महिलाएं के पोषाहार मिलता है। आपको बच्चा कितना वर्ष हो गया? साल भर बोले ना मैडम। अति कुपोषित में है? हाँ, अब दूध काटू हो गया मैडम तो उसको अति हो गया। अच्छा, तो फिर उनको राशन कितना मिलता है? 2 किलो चावल, आधा किलो दाल। अति कुपोषित के भी ना उनको खाली उसको मिलता है साल भर के। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? जितना ऊपर से आए मैडम उतना चाहते हैं। आपको राशन मिलता है? हाँ। कितना मिलता है राशन? 2 किलो। 2 किलो क्या? आधा किलो दाल, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल। और सोयाबीन? नहीं, 200 ग्राम। हर महीना में आपको राशन वितरण हो जाता है? नहीं। केंद्र संख्या कितना है? 130। और आपको नामांकन बच्चे कितना है? 40। धात्री के आप गर्भवती महिलाएं कितने हैं? धात्री 8 और गर्भवती 8। आपको पोषित बच्चा कितना है? 28। तो मैडम आपसे हम इतना जानना चाहते हैं कि आप राशन कितना कितना दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं गर्भवती के 3 kg। और अति कुपोषित? अति कुपोषित है 2.5 किलो चावल, 4 किलो चावल और 2 किलो दाल। अच्छा, और फिर इसके बाद में धात्री की महिलाएं हैं उनको आप कितना दे रहे हैं? धात्री महिला 3 kg, 1.5 kg। तो मैडम हमको कहना है कि जैसे कि मान ली कि जनता पर आप भी हैं और हम भी हैं, तो ऐसा काम करें कि आप भी जिए और जनता को भी जिलाइए, यानी आप भी खा सकते हैं और जनता को भी खिला सकते हैं, यानी दो आपको दोनों को देखना है ना, दोनों साइड के देखना है। तो एक काम करें कि आपको जो अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको 1.5 किलो दाल और 3 किलो चावल देना है, और धात्री की महिलाएं के देना है 3 किलो चावल और 1.5 किलो दाल, और अति कुपोषित को 4 किलो चावल और 2 किलो दाल। तो आप देते हैं कितना? 2.5 kg, 1.5 kg। मुझे भी आंगनबाड़ी में आज तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इस समुदाय के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि 94-31-00-51-97 पर कॉल कर पखदुपुर प्रखंड सीडीपीओ अधिकारी को दबाव बनाए और इस समुदाय को महिलाओं को अधिकार, कानूनी रूप से अधिकार मिले। मैं आशा इंडिया अनहद के लिए।